वेलकम टू टेढ़ी बगिया संडे गार्डनिंग में आज हम ट्रांसप्लांट करेंगे एस्पैरागस फर्न। वैसे ये फर्न की फैमिली में नहीं आता है, ये लिली की फैमिली में आता है, बट ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और एवरग्रीन ही रहता है हमेशा एवरी सीजन। और दोस्तों देखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। और इस प्लांट को आप अपने गमलों में, ज़मीन पर या फिर अपने हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जब ये ग्रो हो जाता है तो आपके हैंगिंग पॉट्स और पॉट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। दोस्तों इसकी जो ग्रीनरी है वो बहुत ही सुंदर लगती है और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। दोस्तों कई जगह पर एस्पैरागस फर्न को हेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे लोग इनसे डिज़ाइनें भी कटिंग करते हैं। जब दोस्तों हमारा एस्पैरागस प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो हम भी आपको एक अच्छी सी कटिंग कर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप भी कैसे बेटर कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे और करते हैं एस्पैरागस को ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे इस एस्पैरागस प्लांट्स की जड़ों को थोड़ा छोटा, क्योंकि हमारा पॉट भी छोटा है और ये इसे हम ग्राउंड से लेकर आए हैं, इसलिए इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो हम इनको थोड़ा सा कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए हम कर लेते हैं इनको कट और ये हो जाते हैं कट करने के बाद तैयार। तो देखिए मैं आपको इनकी रूट्स दिखा देता हूँ। इनमें छोटे छोटे बल्ब जैसे होते हैं, जैसे आपके आलू या मूंगफली में होते हैं उसी टाइप के, है ना। सतावर की फैमिली से होती है वैसे दोस्तों ये। और देखिए आप देख लीजिए इसके जो बल्ब हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और इन रूट से भी आप प्लांट उगा सकते हैं, ये जो रूट्स हमने कट करी हैं इनसे भी हम प्लांट्स उगाएंगे। तो अब करते हैं दोस्तों इसके लिए मिट्टी तैयार। मिट्टी तैयार करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अपना एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन पर भी, तो आप वहाँ जा कर के देख लें कि मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये हम मिट्टी तैयार करके अब करते हैं गमले को फिलिंग की तैयारी। और आपको मैं बता दूं गमला कैसे फिल होता है। तो देखिए गमला जो है, इस गमले को हम दिखा दूं मैं आपको, ये जो ड्रेनिंग होल है ये ज़रूर होना चाहिए। ये तो आपको कंपलसरी है कि गमले में ड्रेनिंग होल होना चाहिए और ये प्रॉपरली बंद भी ना हो। तो इसको बंद ना करने के लिए हम इसमें एक कपड़े का टुकड़ा लगाएंगे, ताकि जब मिट्टी पानी के साथ आए तो मिट्टी रुक जाए और पानी एक्स्ट्रा जो वाटर रहेगा वो बाहर निकल जाए। तो देखिए अब हम करते हैं इसको फिल। तो ये देखिए फिलिंग के लिए तैयार है। अब फिल कर करके हम इसको तैयार कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए ये हो गया फिल। अब इसको हमने पूरा फिल नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो एस्पैरागस है उसका रूट्स बहुत बड़ा है, तो हमने इसको खाली रखा है। तो अब हम लगाते हैं इस प्लांट्स को। तो देखिए ये लगा के हम रख दिया। अब करते हैं हम इसमें और एक्स्ट्रा जो सॉइल है उसको भी फिलिंग करते हैं, ताकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। इसको करते हैं फिलिंग। ये हो गया हमारा फिल होकर के तैयार। ये हो गया आप हमारा एस्पैरागस ट्रांसप्लांट। अब देते हैं हम इसमें वाटर। वाटर आप कैसे भी दे सकते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले जो हमने गमला फिल किया, यानी कि फर्स्ट टाइम ये गमला फिल किया गया, तो इसमें हम एक्स्ट्रा वाटर देंगे, ताकि इसमें जितना भी हमने सॉइल फिल किया है उसमें सब में वाटर का जो लेवल है वो बराबर हो जाए और अच्छे से वाटर नीचे तक पहुंच जाए। और एक्स्ट्रा वाटर अगर होगा तो हमारा ड्रेनिंग होल से बाहर भी आ जाएगा। तो देखिए अब हम, ये हो गया हमारा वाटरिंग करने के बाद प्लांट तैयार। अब देखिए ये थोड़ा सा फैल रहा है, तो हम इसको छोटी सी रस्सी की सहायता से बांध देंगे। देखिए चलिए अब इसको थोड़ा सा बांध देते हैं, ताकि ये फैले ना। अभी थोड़ा सा इसका जो सॉइल है इसको हम अच्छे से देखते रहें और अच्छे से इसका केयर कर लें। वैसे तो ये अच्छे से प्लांट्स ग्रो हो जाता है,
और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। अभी हम इसको बांध देते हैं, बाद में जब हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा तो हम इसको लूज कर देंगे ताकि ये फैल सके। तो देखिए बांध कर हम इसको कर देते तैयार ताकि ये गिरे नहीं और फैले नहीं। तो ये प्लांट हमारा तैयार हो जाता है अभी बांधने के बाद, देखिए ये हो गया तैयार। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉइल हम डाल देते हैं ताकि इसके रूट्स जो हैं वो हम इसको कवर कर दें, क्योंकि वाटरिंग करने के बाद सॉइल जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, दब जाता है। चलिए ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांट तैयार, और देखिए कितने बेहतरीन लगता है हमारा एस्पैरागस, ये देखिए ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही गार्डनिंग के लिए टीडी बगिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर संडे एंड टू वेनसडे।